Kambing tong no lek da. Undi kong he mas. Mata mata tuan dom dom la. Oh. Anu puta da ta. Kiao ro sa ka he kun ne ka. Tengi tuat mai. You know the am. You know mata mata cho. तो आज भैया का मम्मी को पूजा कर रहे हैं तो ना पूरी मरप ने ततवा दोन अजीब चीज है श्याम बोंग जो कोई हां तंबे मरप में तो ये चोंग चोंग में टेंशन तो आने वो तो सुंगुर का हो कसक ना कसक मुताए पेशा करना प्रे ना कुस्तम ले कमो मन सो कमो तवा में तो ये ओ everyone welcome back to my youtube channel to filhar hum Suplang 2 village mein hain aur yahan pe hamara local traditional puja kiya ja raha hai yahan pe mera ek aunty bimar hai aur humne abhi jo domestic animals hai sacrifice kiye hain abhi ओ हते हागमन लो हते हागमन अभी ऑलमोस्ट जला चुके हैं मीट अभी ये सफा कर रहे हैं मेरे चाचा तो इस तरह से हम जलाते हैं और सफा करते हैं और अभी बस पीस करना बाकी रह गया मीट को आखिरी पीस है चाचा जी सफा कर रहे हैं अभी पीछे मेरा सेक्सी आंटी है सेक्सी गाय माय काफी खूबसूरत है और बहुत काम वाली है बहुत काम करती है जब भी है इस तरह का जब पूजा होता है हमेशा आगे रहती है जलाने के बाद हम इस तरह पीसिंग करते हैं इस तरह गोटा गोटा में ये काट रहे हैं भैया जी आज का मीट काफ़ी तेल है तो खाने में भी काफ़ी मज़ा आएगा मन से शहजा हमारा गांव का गांव बूढ़ा मुखिया मुखिया है मुखिया जी है और उन्हीं का घर में हम आज पूजा कर रहे हैं मुखिया जी ये क्या है थोड़ा बताइए आप आना शनवा तायुम ना छन खाई कने तायुम मथु तायु अने न्या ता फित फु चोग यु वो चोग ता फित खाई गोंग ता के गम रंग नी ता पासो वे अका ने छ आपला आ आ अका के गम रंग मोन ता चाव सामा तायु म छ गान म अन ना को माय माय आ अले को मे हा ने थप ता हम आ ले ये माथा है आपका माथा है इंटरनल जो ऑर्गन है उसे अलग से हम बॉयल करते हैं और इसको हम चंबाई बनाएंगे चंबाई के साथ मिक्स करेंगे तो इसे पकाना मेरा आंटी का जिम्मेदारी है ये मेरा आंटी है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली पहाड़ ही पहाड़ है और बारिश भी शुरू हो चुका है अभी तो छोटे छोटे पीस करके इस तरह हम बॉयल करते हैं तो ये है भैया जी साफ सफाई कर रहे हैं अभी तो ये भैया जी अभी ये बैम्बू से चम्मच बनाएंगे ताकि हम यहाँ इस मीट को हम अच्छी तरह से हिला सके तो ये है आपका ट्रेडिशनल आपका चम्मच बनने वाला है चम्मच दो शांत दम दम बाय बाय देखते हैं किस तरह बनता है
मुस्कुराते हुए बहुत खुश है आज। हमारा मिशमी समाज में जब पूजा करते हैं तो ज़्यादातर हम ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल्स जो है, हम जो जंगल का बैम्बू यूज़ करते हैं और पत्ता वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें कोई पोलीथीन वोलीथीन कुछ यूज़ नहीं करते हैं। तो यही है हम लोग का पहचान है, ट्रेडिशनल वे ऑफ हम लोग जो वर्शिप करते हैं भगवान को। ये चीज़ जो हमारा पर्यावरण को अफेक्ट नहीं करता है, कभी प्रदूषित नहीं करता है। ऑलमोस्ट बना चुके हैं अभी आपका। आप बनने वाला है बाय स्पून के बाद चम्मच कहेंगे बाय है फादा। अच्छा 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 सब नंदा उसको तब रूम खाना हम हुआ ठहर मंदा। तो इसको छोटा पीस करके हम आग में थोड़ा सेकते हैं ताकि ये टूटे ना। इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए थोड़ा गर्म करना पड़ता है, इसको थोड़ा वार्म अप करना पड़ता है। अभी देखिए इस तरह बनाया जाएगा इसको। इसको इस तरह का आपका बाय बनाया जाएगा, इसका तवा आ सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आग में थोड़ा सेक दिया तो ये पूरा फ्लेक्सिबल हो चुका है, टूटेगा नहीं अभी। इसको जैसे चाहो आप इसको आप मोड़ सकता है। आपका ये बाय चम्मच पूरा बन चुका है। तो बड़े भैया में काफ़ी टैलेंट है, समय काट दिया जाएगा। तो ये मेरा बाय मीट लेके आ रहे हैं, इसे हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करके खाना कुछ अलग ही मज़ा होता है। ये देखिए फाइनली बन चुका है, आपको हिला के दिखा देंगे अभी। तो इस तरह हम मीट को हिलाते हैं, इस तरह चम्मच को खाते हैं। बढ़िया, तो इससे मीट निकालने में भी काम आता है और इसको हिलाने में भी। मीट का जो सूप होता है उसे हम इस ये लोकल ग्लास बैम्बू ग्लास में हम पियेंगे। इसे हम लोकली लोचा कहते हैं, कमान मिशमी में लोचा कहते हैं। तो मोह का छंद होता है, इसे हम लोचा कहते हैं मिशमी, हम लोग कमान मिशमी से। तो हमारे जिगारू तवरा मिशमी से भी इसे लोचा कहते हैं। तो इसमें हम सूप पीते हैं। तो अभी भैया जी बना रहे हैं, एक तो बन गया। तो ये देखो बन चुका है, दिखा लास्ट। तो देखिए ये लोचा, तो अंदर का जो थोड़ा गंदा है उसको हम नॉर्मली सफ़ा कर देते हैं, कुछ लाठी से हम इसको साफ कर देते हैं। और इसको धोना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि और भी सफ़ा होता है। सुनो भाई बाबा कदे ना, इसे हम रंग के रंग। अब यहाँ पे आपको एक सील है, ये बीच में एक बैम्बू का सील होता है, तो इससे इसको हम बचा के रखते हैं। तो ये देखिए पता चल जाता है, सील का जस्ट ऊपर में आपका ये निशान होता है, तो इसका जस्ट नीचे हम इसको काटते हैं। तो ये है आपका सील, ये प्रोटेक्शन है आपका। तो यहाँ हम सूप डाल के आराम से यहाँ से पी सकते हैं। भैया जी दिखा रहे हैं आपको इस तरह से सफ़ा करते हैं, लाठी से जस्ट इसको सफ़ा करके हम डायरेक्ट सूप डाल के कंज्यूम कर सकते हैं। क्या कर रहे हो? ये तो यहाँ है। ये है चंबाय, चंबाय बनने वाला है। हमने देखा ना था। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, देख सकते हैं। चावल है, मूंग है, और क्या है ये आमदम तो मुका, तिल है, काला तिल। तो ये है आपका, ये है चंबाय, ये चंबाय, ये अदरक है पूजा का। चंबाय आपको दिखाना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप, पूरा यहाँ में लगाता है पूजा करने का बाद में। क्या पीस कर रहे हैं ये अदरक? अदरक तो यहाँ पे पीस किया जाएगा, यहाँ पे मिक्स किया जाएगा चंबाय में। और ये इसको मिक्स नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है, थोड़ा ये थोड़ा सा अलग सा चाहिए पूजा का, ये भगवान का देना है। तो इसमें जो अभी जो ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हैं उसको छोटा छोटा हम गोल गोल करेंगे भगवान के लिए, स्पेशली हम लोग को भगवान को हम चढ़ाएंगे। तो जो चावल है वो बाद में हम मिक्स करेंगे हम लोग खाने के लिए, खाने के लिए भगवान को पहले देते हैं उसके बाद हम खाते हैं।
जो हड्डी बस जाता है वो भगवान भगवान के लिए हम लोग का जो इंडिजिनस जो भगवान को मानते हैं उसे हम चलाते हैं। ये जो बस्ता है वो हम लोग करते हैं, यहाँ मिक्स करते हैं, गोल चावल के साथ गोल करेंगे। प्रक्रिया मैं आप लोग को दिखाऊँगा। सौ तंजुम समीन सब स्पेशली हम लोग का पूजा में यूज़ होता है और इस पत्ता को हम खुद लगाते हैं और जंगल में भी मिल जाता है, तो यही पत्ता यूज होता है ज़्यादातर पूजा में। ये है मेरे लिए खाना एकदम प्योर प्योर से दिया है, कुछ भी दे दो आपका पसंद वाला, तो मैं खा लेता हूँ, इसे टेस्ट करता हूँ। बस हो गया, जो इंटरनल जो ऑर्गन अलग से बॉयल करते हैं और इसका सूप जो है बहुत टेस्टी होता है, इसको अच्छा सफा करके हम लोग बॉयल करते हैं, इसका सूप को हम पीते हैं, सेवन करते हैं, सूप पी रहे हैं। ये खून ये है आपका जो खून है गाय का, खून बॉयल करके हम खाते हैं, इस तरह पकने के बाद इस तरह बन जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा ये आपका लोकल ग्लास बैम्बू, इसमें सूप डाल के हम पीते हैं। तो थैंक यू। इस तरह पीते हैं, इस तरह पीते हैं। ये चंबाई खा के कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्ट है, मीट खाने में बहुत अच्छा है। तो शादी करके कैसा लग रहा है? नया नया शादी किए है चाचा जी अभी तक, जबर चावल को इस तरह गोल करते हैं, इसमें सब कुछ मिक्स है, आपका चावल है, आपका लोकल इसमें दान है और मीट है, अदरक है और चंबाई बहुत फेमस है, हर कोई खाता है, चपरासी से लेके एमपी तक खाते हैं। चंबा एक सल्ला ये हम मन दो बांग का कमान किन अन सो जे हम नाव नेम कमान ने चंबा में सु चंबा चाव में है खसक सवाद में कमान किन नेम ये ग्लास जो है बेंबू से बनता है, बेंबू से बनाते हैं, ये से भी स्पेशल बनाते हैं, लेकिन अभी अभी थोड़ा बनाया गया, इससे बहुत अच्छा बनता है, हम लोग अच्छा से जब बनाता है, तो ये जो जलबाजी में बनाया हुआ ग्लास है, तो ये हमारा बहुत पॉपुलर डिश है मिश्मी समाज का, अरुणाचल प्रदेश इंडिया अंजाव डिस्ट्रिक्ट का है, हम मिश्मी समाज के लोग इस तरह का बनाते हैं। तो ये है चमड़ा आपका, चमड़ा काव अभी हम लोग ने सेक्रीफाइस किया है उसका चमड़ा बनता है ये, तो ये चमड़ा जो है इसको हम सबसे पहले क्या करना है, पनीर गरम से डाल के उसको इसको अच्छा से रगड़ देना है, सबसे पहले इसको ऊपर का नुमा बॉयल किया जाएगा, पानी में गर्म पानी में बॉयल किया जाएगा, सेकेंड स्टेप है उसका जो नूम है उसको निकाल दिया जाएगा ना, नूम को निकाल दिया जाएगा, उसके बाद फिर सुखा दिया जाएगा, सुखाने के बाद इसको ठीक से इसको रगड़ना है, ठीक से आपको रफ करना है जितना सकता है ताकि ये रफ ना हो, फ्लेक्सिबल हो, तो ये बनने के बाद रगड़ने के बाद इस तरह का आपका बेल बनता है, जैसे ओरिजिनल हम लोग ये मिश्मी मिश्मी नेम्स में हम लोग यही यूज़ करते हैं, बेल आ जाएगा इस तरह से भगवान को चढ़ाया जाता है,
तो ये है हमारा दुकान प्रीस। ये रहा मुर्गी का पैर, ये है पूंछ। एंडिंग में ऐसा रखा जाता है। सफ़ेद अपोंग है, लोकली यहाँ बनाया गया है, तो मैं इसे टेस्ट करता हूँ। कहते ही चमे तो डाल देना, टेस्ट करता हूँ। काफ़ी अच्छा है। तो ये अपोंग पूरा ऑर्गेनिक है, इसमें कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसे कोई भी पी सकता है। अभी ये है हमारा सीनियर मोस्ट खान है, कानिंग या टोंग टू और सुपलंग टू का सबसे बुजुर्ग है, बहुत मानते हैं हम। कल मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा क्या? हम जानते हैं ना। क्या जानते हो? क्या जानते? बोलो बोलो बोलो। क्या जान? स्टिंग मीट भी है, ऑयल भी है, और ये इंटरनल ऑर्गन है। गर्मा गर्म मीट शरीर करने से फायदा है ना, मीट मिलता है, बहुत फायदा है। क्या क्या फायदा होता है बोलो, जैसे पूजा में क्या फायदा? जैसे पूजा में मीट मिलता है, मतलब हम लोग वो नहीं आ पाने, फिर दूसरा लोग दे देता है, ले जाओ बोल के। पत्नी भी खुश, अभी खुश ना? हाँ, दिल दोनों एक पत्नी पत्नी होगा, दोनों को खुश करा देता है आपस में। चावल ये खान के लिए है, स्पेशली खान के लिए अलग सा
देख सकते हैं यहाँ अलग सा बड़ा पीस है मीट का, तो ये बड़ा पीस को अमरुख खान को देखे आज को खान। भाभी जी बहुत सुंदर लग रही है, वेरी क्यूट नो, वेरी क्यूट टंग पर होय टंग सो क्यूट एंड नो रासा पर नो तुम भी खींच के ऐसे करो ये मार लो ना क्यों तो मना मन ना मना मन क्या चल ये मिला चल न्यू ना चल ले ले ना पा चल ले पा चल तो रंग था तुम्हारे काम दाओ तो भाई मतलब लास्ट तो हम लोगों ने खाना खा चुका है अभी, तो अभी पूजा का आखिरी प्रक्रिया चल रहा है, तो उसके बाद हम पूजा ख़त्म करेंगे और पुजारी से पूछताछ करेंगे आज का पूजा के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरा खाली हो चुका है, मीट से पूरा हम भर चुके हैं। तो ये मेरे चाचा है यहाँ सुबलंग टू का, ตัวเท่ากี้อย่างสมองแล้วเจาะกันหนังตัวละตามละมันเตาลงตัวโปรดจะเจาะเข็มมากะตัวมันต้องไหนอีกกลางมารังในร่างท้องกลางมารังในเด็กเราท้องมาอย่างอันต้นลงเพราะล่ากระต่งเพราะล้านเด็กละโตช้ำบ่าอันเศร้าก็เหมาไรสิใครงงมันทางมังงง ซากะเสกเสกเฮาเตมคุณกับปลายเนกะตองชำบ่ายารอเรื่องเต้ากะตองชำบ่าอันลัดอันลานเดอะแล้วนี่ชาแน่เศร้าเสือหำมาหน้าชาวายหนังโตนอยู่ในเต้าหำบ่ายกันในดำโดมึงเด็ดมันจะพูดจะย้อนเด้อว่ากระตังลัดมันเศร้าชาเศร้าว่า तो ये है मेरा आंटी बीमारी आंटी लाने लाठी लाद में तिहार ตกก็ตกอีเดียได้ไม่งงเลยล่ะที่ฟังนายใกล้ล่างละมาตะทีจะจําบัดบ่ไม่กดดําอยู่ในเงินเกี่ยวในโกงํามากันเข้าไปอยู่ข้าวอยู่มาขอเนี่ยเข้ามาเข้าอยู่เออคิดปองละล่างไม่ได้แม่อ้ําไม่ได้อยู่อะราสวดใจมา